नमस्कार, मैं रितेश कुमार अरोमा बेक इक्विपमेंट से। आज हम बताएंगे कि मशीन कैसे चलाई जाती है, आइसक्रीम मशीन कैसे चलाई जाती है, और आज हम दिखाएंगे आइसक्रीम मशीन की डेमो। तो इसको चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं बता देता हूँ। आपको दो बाउल चाहिए, एक विस्क चाहिए जिसमें आप मिक्स कर सके, राइट। बाउल कोई सा भी हो सकता है घर में, और मिक्सिंग भी कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद आपको चाहिए प्रीमिक्स, ये प्रीमिक्स होती है जिसमें इसमें डलता है 800 ग्राम का है, और जिसमें आपको जो है 400 ग्राम फुल क्रीम डालना होता है, 100 ग्राम मिक्स करना होता है प्रीमिक्स। उसके बाद चाहिए आपको जिसमें आपको आइसक्रीम डालनी है, या वो आपको इसमें बढ़िया क्वालिटी भी ले सकते हैं। उसके बाद चाहिए दूध, फुल क्रीम, और जो मैंने जैसा बताया था दो बाउल। तो ये दो बाउल हैं, तो इसमें प्रीमिक्स मिक्स करेंगे। अब प्रीमिक्स मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर दूध मिक्स करेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं प्रीमिक्स 100 ग्राम। ये वनीला फ्लेवर है, ये हमने 100 ग्राम डाल दिया। ये ब्लूबेरी दूसरे बॉल में, ये हमने 100 ग्राम रख दिया। यह है फुल क्रीम दूध, तो इसको मिलाना है। मैम आप ज़रा इसको मिक्स कर दो जब तक। तो इसको चलाने के लिए हमें चाहिए 220 वोल्टेज। इसको चलाने के लिए हमें स्टेबलाइज़र ज़रूर यूज़ कीजिएगा, जिसका वोल्टेज 180 to 240 होनी चाहिए स्टेबलाइज़र की रेंज। तो इसको चलाने के लिए स्टेबलाइज़र मस्ट है, उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। सो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको बटन दिखाता हूँ। यह है स्टॉप बटन, यह है क्लीन बटन, ये ऑटो और हार्डनेस सेट करने के लिए। तो मैं इसको समझा, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे चलाएंगे इसे। ये कीप जो यहाँ से निकलता है, जो सारा मतलब आपकी आइसक्रीम निकलेगी वो सारा मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है आइसक्रीम का प्रीमिक्स। अब हम इसको बाउल के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर 4 लीटर आप प्रीमिक्स डाल सकते हैं। अब हमने ये बाउल में डाल दिया, अब हम इसको सेट करेंगे। ये हमने ऑटो कर दिया। अब ये ऑटो करने पे, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हार्डनेस है 2.9, राइट। अब यहाँ पे 4.5 या 4.2 या 4 जो हार्डनेस है क्रीम की, जो आइसक्रीम बनेगी वो अगर सेट हो जाए तो आपका जो आइसक्रीम बढ़िया निकलेगी। तो जब तक 2.8 है, ये 2.8 यहाँ पे देख रहे हैं हार्डनेस बढ़ रही है, आके देख सकते हैं आप, हार्डनेस बढ़ रही है। जब हार्डनेस बढ़ जाएगी तो आप आइसक्रीम डिस्पैच कर सकते हैं। तब तक के लिए हम थोड़ा रुकते हैं, इसको हो जाने देते हैं। तो जैसा कि हमने सेट किया था 4.5 हार्डनेस, अब हमारा 4.3 हार्डनेस हो चुका है। तो अब हम आइसक्रीम हम डिस्पेंस कर सकते हैं। मेरे पास है कोन, तो हमारे पास कोन है और अब हम इसमें आइसक्रीम डिस्पेंस करेंगे। ये हमारा आइसक्रीम डिस्पेंस हो गया है, देख रहे हैं आप, ये है वनीला आइसक्रीम। और वैसे ही अब हम आइसक्रीम दूसरा डिस्पेंस करेंगे ब्लूबेरी का। तो अब हम इसमें से निकालेंगे ब्लूबेरी आइसक्रीम।
ये हमारी ब्लूबेरी आइसक्रीम निकल गई। अब ऐसे ही जैसे इसमें से ब्लूबेरी निकली, इसमें से वनीला, वैसे ही इसके अंदर से डबल फ्लेवर निकलेगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये बहुत इजी है मशीन चलाना और हम इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजी। जैसे आपने देखा, हमने सिर्फ हमें ध्यान रखना है वोल्टेज का, स्टेबलाइजर का, और उसको सिर्फ और सिर्फ हमें ये सेट पॉइंट हार्डनेस, जितनी हमें हार्डनेस सेट करनी है उतनी सेट करना है हमें यहाँ से हार्ड। जैसे अगर हमें यहाँ पे हार्डनेस और ज़्यादा चाहिए इस आइसक्रीम की, तो हम इसे 4.6, 4.7, 4.8 सेट। अब हमने 4.8 कर दिया, अब ये 4.8 पे सेट होगा ये, तब जाके आप डिस्पेंस कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी हार्डनेस आपको सेट करनी है और उसके बाद आइसक्रीम डिस्पेंस कर सकते हैं। हमें यहाँ पे वोल्टेज दिखता है, ये वोल्टेज देखना है, हमें हमेशा देखना है कि वोल्टेज कितनी आ रही है, वोल्टेज ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, और इसे स्टेबलाइजर से ही यूज़ करें। तो आपने देखा कि कितना आसान है। जैसा कि आपने देखा, इस आइसक्रीम को चलाने में कोई भी ज़्यादा ताकत और मेहनत नहीं लगी, ना ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा। आप इस आइसक्रीम को बहुत ही ईजी चला सकते हैं। और यहाँ पे आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है आइसक्रीम मशीन का। धन्यवाद अरोमा बेक इक्विपमेंट से, रितेश कुमार, थैंक यू।